नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा, लेकर न्यूज टॉप 9 बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बंगाल चुनाव की खबरों से। आज तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार थम गया। सीएम ममता बनर्जी ने कहां पर हुंकार भरी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहां ममता सरकार पर वार किया। कहां चुनाव प्रचार के दौरान हंगामा मचा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव जुड़ी सभी बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 बंग युद्ध में। पश्चिम बंगाल और असम के तीसरे चरण के चुनाव समेत केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के भी चुनाव प्रचार का शोर आज थम गया। 6 अप्रैल को तीसरे चरण में पश्चिम बंगाल की 31 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। इससे पहले आज सभी दलों के स्टार प्रचारकों ने धुआंधार प्रचार किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज पश्चिम बंगाल के आरामबाग में ममता सरकार को घेरा। योगी ने कहा, अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, लेकिन दर्द ममता बनर्जी को बंगाल में हो रहा है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी सरकार पर पलटवार किया। हावड़ा में ममता बनर्जी ने कहा, ये लोग अभिषेक, सुदीप और स्टालिन की बेटी के घर पर एजेंसियां भेज रहे हैं, लगातार पुलिस अधिकारियों को बदल रहे हैं। नंदीग्राम से बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के भतीजे पर बड़ा आरोप लगाया। शुभेंदु ने कहा कि कोयला घोटाले के 900 करोड़ रुपए अभिषेक बनर्जी को मिले। उन्होंने दावा किया कि घोटाले में कई बड़े अफसर भी शामिल हैं। कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर में जीत का आशीर्वाद लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि बीजेपी से घबराई दीदी बंगाल में सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा दे रही हैं। पार्टी की सरकार बने, सोनार बंगाल हो, परिवर्तन हो, यही मैंने मां को प्रार्थना की। रोड शो के दौरान बीजेपी की उम्मीदवार पायल सरकार के काफिले पर हमला हुआ। ठाकुर पुकुर थाना क्षेत्र के पास हुए हमले के बाद पायल सरकार ने अपने समर्थकों के साथ थाने का घेराव किया। हमले का आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगाया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक बार फिर भारी मात्रा में जिंदा बम बरामद हुए हैं। पुलिस को सुंदरपुर गांव में बम होने की खबर मिली। यहां 2 कंटेनर में करीब 50 से 60 देसी बम रखे हुए थे। बॉम्ब स्क्वाड ने बम डिफ्यूज किया। पश्चिम बंगाल में चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा बलों की संख्या और बढ़ाई जाएगी। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की 200 कंपनियों को पश्चिम बंगाल भेजा जाएगा। इन्हें 6 अप्रैल को असम में होने वाले तीसरे फेज के मतदान के बाद शिफ्ट किया जाएगा। ममता बनर्जी के नंदीग्राम में पोलिंग बूथ पर धांधली के आरोपों को चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया है। ईसी ने कहा कि वोटिंग के दौरान गड़बड़ी के कोई सबूत नहीं मिले हैं। ईसी ने 6 पन्नों के जवाब में लिखा, मतदान के दौरान कोई बाहरी व्यक्ति पोलिंग बूथ के अंदर नहीं गया। गृहमंत्री अमित शाह को क्यों रद्द करना पड़ा अपना चुनावी दौरा। पुडुचेरी में भगवान के दर पर पहुंचे नड्डा ने क्यों मांगी दुआ। और यूपी पंचायत में कैसे लगा बॉलीवुड का तड़का। सियासी घमासान से जुड़ी सभी बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 सियासी संग्राम। गृहमंत्री अमित शाह की आज असम में 2 रैलियां प्रस्तावित थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले के चलते उन्होंने बीच में ही अपना चुनावी दौरा रद्द कर दिया। शाह बारपेटा रोड पर मिनी स्टेडियम में रैली करने से पहले ही गुवाहाटी से दिल्ली वापस लौट आए। पुडुचेरी के थिरुनल्लारू शनिस्वारा टेंपल में पूजा कर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जीत का दावा किया। चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में उन्होंने थिरुनल्लारू में रोड शो भी किया। इस दौरान उन्होंने विरोधियों पर जमकर हमला बोला। केरल में कांग्रेस की जीत के लिए राहुल गांधी ने वायनाड के थिरुनेली मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान वो केरल के पारंपरिक परिधान में नजर आए। कलपेटा में अपने काफिले को रोक कर वो अचानक एक ऑटो ड्राइवर से मिले और पेट्रोल की बढ़ती कीमत पर उसका दर्द जाना। केरल के तिरुवनंतपुरम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला और कहा कि मोदी सरकार में एजेंसियां कानून के मुताबिक काम करती हैं। यूपीए के भ्रष्टाचार काल में उन्हें जांच की स्वतंत्रता नहीं थी। उन्होंने कांग्रेस को एलडीएफ की बी टीम बताया। चेन्नई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तमिलनाडु और असम में बीजेपी गठबंधन की जीत का दावा किया। नड्डा ने यह भी दावा किया कि बीजेपी बंगाल और पुडुचेरी में भी सफलता की ओर तेजी से बढ़ रही है। केरल में चुनाव प्रचार थमने से पहले सीएम पिनराई विजयन ने कन्नूर में धुआंधार प्रचार किया। अपने गृह शहर में विजयन ने रोड शो कर विरोधियों पर जबरदस्त हमला बोला। केरल में 140 विधानसभा सीटों पर 6 अप्रैल को मतदान होगा। तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन चेन्नई में डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने हाबर प्रत्याशी सीकर बाबू के समर्थन में रोड शो किया। उधर तिरुचिरापल्ली के मनापरे में डीएमके के अब्दुल समद ने पारंपरिक व्यंजन मुरुक्कु बनाकर जनता से समर्थन की अपील की। यूपी में पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी रंजिश की घटनाएं बढ़ गई हैं। ताजा मामला बागपत के बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के उसीका गांव का है, जहां प्रधान पद के प्रत्याशी को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर घायल कर दिया। शकील की हालत गंभीर बनी हुई है।
यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर जौनपुर का वार्ड नंबर 26 सुर्खियों में है। इस बार यहां से मिस इंडिया 2015 की रनर अप मॉडल और बॉलीवुड से जुड़ी दीक्षा सिंह दांव आजमा रही हैं। नामांकन दाखिल कर दीक्षा ने क्षेत्र की बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया है। उधर छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले का कौन है मास्टरमाइंड, सुरक्षा बल से मुठभेड़ में नक्सलियों को कितना हुआ नुकसान और नक्सली हमले में अब तक कितने जवान हुए शहीद, मुठभेड़ से जुड़ी ये बड़ी खबरें हम आपको दिखाते हैं टॉप टाइम लाल आतंक। छत्तीसगढ़ के बीजापुर सुकमा बॉर्डर पर हुए नक्सली हमले में अब तक 22 जवान शहीद हो चुके हैं, वहीं कई जवान घायल हैं, जबकि लापता जवानों के लिए सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। नक्सली करीब 2 दर्जन हथियार भी लूट कर ले गए। बीजापुर में सर्च ऑपरेशन के दौरान आज फिर आईडी ब्लास्ट हुआ। टेकलगुड़ा में सर्च ऑपरेशन के दौरान एक जवान का पैर पहले से प्लांट आईडी पर पड़ा, जिससे धमाका हुआ। एक जवान के घायल होने की खबर है। बीजापुर में नक्सलियों ने घात लगाकर सेना के जवानों पर हमला किया था। सूत्रों के मुताबिक जंगल में 1500 नक्सलियों ने यू शेप में जाल बिछाया था, जवानों के पहुंचते ही अचानक हमला किया। नक्सलियों के हमले की तैयारी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो आईडी और AK-47 से लैस थे। सूत्रों के मुताबिक नक्सलियों के पास रॉकेट लॉन्चर भी थे। नक्सलियों ने 100 से 200 मीटर की दूरी से जवानों पर फायरिंग की। बीजापुर मुठभेड़ में नक्सलियों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। सूत्रों के मुताबिक नक्सली 3 से 4 ट्रैक्टरों में अपने साथियों के शव और घायलों को लेकर गए। सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच करीब 4 घंटे तक लगातार मुठभेड़ चली। बीजापुर हमले के पीछे नक्सली कमांडर मांडवी हिदमा का हाथ माना जा रहा है। गुरिल्ला वॉर में महारत की वजह से ही इसे पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी का कमांडर बनाया गया। सूत्रों के मुताबिक हमले के वक्त इसकी लोकेशन ग्राउंड जीरो के नजदीक पाई गई। छत्तीसगढ़ के सुकमा बीजापुर में हुए नक्सली हमले पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने दुख जताया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, राष्ट्र जवानों की शहादत को कभी नहीं भूलेगा। पीएम मोदी ने कहा, शहीद जवानों के परिवार के साथ मेरी संवेदना है। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से फोन पर नक्सली हमले की जानकारी ली। उन्होंने सीआरपीएफ के डीजी को छत्तीसगढ़ जाने का आदेश दिया। गृहमंत्री ने शहीदों को नमन किया और नक्सलियों को चेतावनी देते हुए कहा, शांति और प्रगति के दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका ने कहा, पूरा देश इस घटना पर दुखी और आक्रोशित है, देश वीर जवानों की शहादत को हमेशा याद रखेगा। देश भर में कितना बढ़ा कोरोना का ग्राफ, महाराष्ट्र में वीकेंड लॉकडाउन से कितना होगा फायदा और कोरोना से जंग में क्या है केंद्र सरकार का विशेष अभियान। कोरोना महामारी से जुड़ी सभी बड़ी खबरें हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 कोरोना विस्फोट में। देश में कोरोना से हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। 24 घंटे में सामने आए 93,000 से ज्यादा नए केस और 513 लोगों की मौत ने चिंता बढ़ा दी है। एक्टिव केसेस की संख्या भी 6,91,000 को पार कर चुकी है। 8 राज्यों से 81.42% केस आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ICMR की एक रिपोर्ट ने चिंता बढ़ा दी है। शोध में पता चला है कि देश में 4.5% लोगों को दोबारा कोरोना हो रहा है, जबकि दुनिया भर में सिर्फ 1% लोग ही इसके दोबारा शिकार हो रहे हैं। पिछले साल जो इन्फेक्शन रेट 5.50% था, वो अब 6.80% हो चुका है। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की है। शुक्रवार रात 8 बजे से लेकर सोमवार रात 7 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। सिर्फ जरूरी सेवाएं ही जारी रहेंगी। कल शाम 8 बजे से नए नियम भी लागू होंगे। थिएटर गार्डन पूरी तरह से बंद किए गए। कोरोना की रोकथाम के लिए मोदी सरकार का बड़ा फैसला। देश भर में 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। 100% मास्क को लेकर अभियान चलेगा। पीएम मोदी ने आज कैबिनेट सचिव समेत कई बड़े अधिकारी के साथ समीक्षा बैठक की। देश में कोरोना की स्थिति पर पीएम मोदी ने आज कैबिनेट सचिव स्वास्थ्य सचिव समेत कई बड़े अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। पीएम ने टीकाकरण को रफ्तार देने के साथ साथ टेस्ट ट्रैक और ट्रीटमेंट को पूरी तरह से लागू करने पर जोर दिया। दिल्ली में बेकाबू कोरोना से अस्पतालों में बेड भरते जा रहे हैं। सभी अस्पतालों में अभी से 2,728 बेड भर चुके हैं। 790 वेंटिलेटर्स में से मात्र 384 ही खाली हैं। दिल्ली में सिर्फ एक महीने में होम आइसोलेशन की संख्या में भी 8 गुना बढ़ोतरी हुई है। IPL की शुरुआत से ही पहले कोरोना की मार। RCB के बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उनसे पहले अक्षर पटेल और नीतीश राणा कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इस बीच BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने खिलाड़ियों के वैक्सीनेशन की मांग की।
बॉलीवुड पर कोरोना की मार। अक्षय कुमार के बाद फिल्म स्टार गोविंदा भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। गोविंदा में कोरोना के हल्के लक्षण हैं। फिलहाल गोविंदा और अक्षय कुमार होम क्वारंटीन में हैं। मुंबई के जंबो कोविड सेंटर में आज दोपहर आग से हड़कंप मच गया। यहां 50 कोरोना मरीज मौजूद थे। फायर फाइटर्स की मदद से आग पर काबू पाया गया। वहीं एमपी के उज्जैन में भी पाटीदार अस्पताल में 4 मरीज आग में झुलस गए। आग में फंसे 80 मरीजों का रेस्क्यू किया गया।